सैंक्शन करना होता है। इसके अलावा जो उसके जो मैट्रिक के और एफएससी के जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको उसको साथ लेके जाना होता है, और अपने आईडी कार्ड उसको साथ लेके जाना होता है, और कैंडिडेट को जब पॉल लेटर इशू किया जाता है तो उसके ऊपर जॉर्डन कर दिया जाता है कि ये चीज़ें आप जब ISSB के लिए जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। तो ये जो इनिशियल टेस्ट है, जो कैंडिडेट इस इनिशियल टेस्ट को पास करेगा ओनली ही कैन क्वालिफाई टू अपीयर फॉर ISSB। और ये इनिशियल टेस्ट बहुत ईजी है, इसकी तैयारी के हवाले से भी जब आप मेरे से दोबारा बात करेंगे तो आई इंशाल्लाह ट्राई एंड गाइड द लिसनर्स के इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, तैयारी तो जो करके आया है वो इस वक्त ISSB पहुंच गया है, और कर्नल फैसल ने उनको आज पहला दिन जो है वो गुजरवा दिया है, फॉर्म्स फिल हो गए हैं, पहले दिन का खाना भी खा लिया है। खाना भी खा लिया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिर्फ हमने बिजनेस नहीं बनाया हुआ, वी आर गिविंग देम लेजर टाइम आल्सो। हमारी ISSB के अंदर बड़ा कंड्यूसिव किस्म का मैस है कैंडिडेट्स का, वहाँ पर बड़ी अच्छी किस्म की हमने गेमिंग जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पर वो सोशलाइज करें, फ्रेंड्स बनाएं, रिलैक्स करें, डिनर करें, और उसके बाद उस दिन का हेक्टिक डे जो है ना वो हम क्लोज कर देते हैं। मतलब ये कि कोई इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वहाँ कुछ बहुत अच्छा भी होने वाला है। सही, ज़बरदस्त जनाब। और ये पहला दिन जो है ये जब कंप्लीट हो जाता है, और सुबह किस वक्त की कॉल होती है कि फिर उठना होता है और उसके बाद फिर सब लोग चले जाते हैं मेजर तंजीला वाले डिपार्टमेंट में? जी, थैंक यू वेरी मच बुशरा फॉर तंजीला, थोड़ा सा आपको माइक के करीब हो। After completion of all the activities of the first day, the next day is psychologist day, where candidates have to complete all a series of psychological tests. In this domain, the first test is mechanical aptitude test. This is basically a computer-based test. उस पर कुछ pictures computer पर appear होती हैं, and a candidate has to choose one of the most appropriate or correct picture to complete to give their answers. The total time limit for this test is 15 minutes, and within 15 minutes everyone has to complete this test. After completion of this test, the next objective test is officer personality inventory. This test comprises of 150 questions, including statements and scenarios. This test basically taps the emotional intelligence and social intelligence of a candidate. इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हम कैंडिडेट्स को जो है ना 40 मिनट्स जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज हर कैंडिडेट ने 150 क्वेश्चन जो इस टेस्ट में है वो कंप्लीट करने होते हैं। इफ़ दे फेल टू कंप्लीट द टेस्ट और इसमें एक भी क्वेश्चन रह जाता है तो टेक्निकली कैंडिडेट उस टेस्ट को फेल कर देते हैं। सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कंप्लीट द टेस्ट विद इन द टाइम लिमिट। After completion of the first phase, that those are the objective tests, we move towards the semi-projective test. अब जो हमारे सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट सीरीज में देर इज़ अ टेस्ट दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस कम्प्लीशन टेस्ट। इस टेस्ट में टोटल 4 शीट्स होती हैं हमारे पास, इसमें 2 इंग्लिश की होती हैं और 2 उर्दू की होती हैं। शुरू की 2 जो है वो हम उर्दू में करवाते हैं और लास्ट वाली जो 2 होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। हर शीट जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ 26 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और जिसके लिए जो है ना वो कैंडिडेट्स को विद इन 6 मिनट्स वो सारे के सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं। सो इसमें एक एडवाइस ये है कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट्स इन शीट्स को फिल कर सकते हैं विद इन अ टाइम लिमिट विद लॉजिकल रिस्पॉन्सेज, दे हैव मोर चांस टू गेट रिकमेंडेड बाई द ISSB और बाई द साइकोलॉजिस्ट। सेकेंडली, जब हम ये सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट अपने कम्प्लीट कर लेते हैं, देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द प्रोजेक्टिव टेस्ट। द सेकेंड टेस्ट इन दिस डोमेन इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एक जो टोटल हमारे पास नंबर होता है 100 वर्ड्स अपेयर होते हैं ऑन स्क्रीन विद इन इंटरवल ऑफ 10 seconds, और विद इन दिस टाइम लिमिट कैंडिडेट हैज़ टू सी दैट वर्ड एंड देन दे हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड। तो विद इन टाइम लिमिट कैंडिडेट ने इसको भी जितना मैक्सिमम वो कंप्लीट कर सकते हैं वो उन्होंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी होती है। आफ्टर दैट कैंडिडेट को हम स्टोरी राइटिंग टेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। इन दिस टेस्ट देर आर टोटल 6 स्टोरीज, 4 स्टोरीज ऐसी हैं जो पिक्चर बेस्ड हैं और 2 स्टोरीज ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट सेंटेंस के ऊपर बेस करती हैं। फॉर पिक्चर स्टोरीज जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हम कर देते हैं फॉर ऑलमोस्ट 30 seconds। आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन इन नेक्स्ट 3.5 मिनट्स कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट दी और मेक द स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पिक्चर। जब ये 4 स्टोरीज कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो है वो स्क्रीन पे दिखा दिए जाते हैं, कैंडिडेट हैव टू कॉपी दैट सेंटेंस और फिर उन्होंने अपनी स्टोरी को उस इनकम्प्लीट सेंटेंस को आगे लेके चलना होता है कि व्हाटएवर दे वांट टू कंप्लीट इट दे कैन।
सो यहाँ पे सिक्स स्टोरीज का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है. देन वी मूव ऑन टू द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट. इसमें कैंडिडेट ने जो अपने अपोनेंट व्यू पॉइंट्स के हिसाब से और अपने फ्रेंड व्यू पॉइंट के हिसाब से अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन देनी होती है. फॉर ईच टेस्ट दो कैंडिडेट्स को हम 3 मिनट्स प्रोवाइड करते हैं और विद इन 3 मिनट्स दे हैव टू राइट देयर एक्चुअली मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ देयर पर्सनैलिटी. देन वी मूव ऑन टू द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अब ये एक टेस्ट ऐसा है जो कैंडिडेट की डिसीजन मेकिंग और टाइमली जो भी उनकी लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू विद इन टाइम लिमिट क्या वो डिसीजंस ले सकते हैं, इस टेस्ट को ये टेस्ट बेसिकली इसको टैप कर रहा होता है. तो इसमें हम 10 सिचुएशन स्क्रीन पे 1 by 1 डिस्प्ले करते हैं. कैंडिडेट ने उन सिचुएशंस को रीड करना होता है एंड विद इन 2 मिनट्स दे हैव टू गिव देयर रिस्पॉन्स. सो हेयर हमारे जो टेस्ट जितनी भी सीरीज टेस्ट की है वो कंप्लीट हो जाती है. और जो कि ऑब्जेक्टिव है, सेमी प्रोजेक्टिव है एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द टेस्ट कैंडिडेट्स उस दिन के लिए वो फ्री होते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द डे दे कैन डू देर वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. लेट टाइम एक्टिविटीज़ हैं, इनडोर गेम्स हैं और लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे पास कैंडिडेट्स के लिए. वहाँ पर दे कैन रीड एनी बुक्स दे वॉन्ट टू और एक अच्छा सा कैफेटेरिया वहाँ पे जो कैंडिडेट्स के अवेलेबल है, दे वांट टू ईट और अपनी उस हिसाब से वो चल सकते हैं. द मैनी नेक्स्ट डे जो है वो नेक्स्ट डे पर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा टेस्ट पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी. मुझे ये बताइए, हमारे साथ चूँकि कैप्टन किरण भी हैं, कि ये जो टेस्ट हैं ये बनाता कौन है? क्या ये कोई इंटरनेशनल इदारा है बना रहा है, किसी जगह कोई इंस्टीट्यूट बना रहा है, या आप लोग इंटरनल आप लोगों का कोई सिस्टम है इनको बनाने का? थैंक यू उषा, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. थोड़ा सा आपको भी माइक से करीब होना होगा, थोड़ा सा माइक को अगर ऊँचा कर लें. जी प्लीज. ऑलराइट, सो दीज टेस्ट्स दे आर एम्पिरिकली बेस्ड, दे आर रिसर्च प्रूवन एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेसिस ऑल्सो. ये हमारे क्लासिकल टेस्ट्स हैं डेफिनेटली, जो हम अपने ISSB में यूज़ कर रहे होते हैं. देर आर सर्टन टेस्ट विच आर कंसीव्ड फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल बेसिस. देर आर फ्यू टेस्ट जिसको हमने इंडिजिनसली डिवेलप किया हुआ है. डेफिनेटली द प्रोसेस ऑफ टेस्ट डिवेलपमेंट ऑल्सो गोज थ्रू सम एम्पेरिकल प्रोसेस, जिसमें हम इसकी पायलटिंग भी करते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. एंड वंस द टेस्ट गोज थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स ऑफ देयर स्टैंडर्डाइजेशन एंड वंस द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड, देन वी इम्प्लीमेंटेड ऑन द कैंडिडेट्स एट ISSB. सो दीज टेस्ट डेफिनेटली दीज टेस्ट आर वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जैसे टेम्प्रेरी आर्मीज़ की सिलेक्शन के लिए जो पर्सनालिटी असेसमेंट है वो यूज़ हो रही है, वी यूज़ दैट द सेम स्टैंडर्ड्स. अलॉन्ग विद दैट इसकी जो असेसमेंट के प्रोसीजर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच स्टैंडर्डाइज्ड. हर कैंडिडेट की जो असेसमेंट है इट इज़ वेरी मच इंडिविजुअलिस्टिक एंड एट द सेम टाइम इसकी जो असेसमेंट हम करते हैं टेस्ट की इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव असेसमेंट प्रोसीजर्स. इसमें हम डिफरेंट जो थीम्स अराइज हो रही होती हैं कैंडिडेट के डोजियर में और उसके कॉन्टेंट जो कैंडिडेट प्रोड्यूस कर रहा है उसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. जो थीम्स इमर्ज होती हैं उस पर हम कैंडिडेट की पर्सनालिटी का एक यू कैन से एक इमेज डेवलप करते हैं. द कैंडिडेट अपीयर्स लाइक दिस ऑन डोजियर थ्रू द कंटेंट दैट द कैंडिडेट इज प्रोड्यूसिंग ऑन द डोजियर. अच्छा, ये वाले जो टेस्ट हैं जो जिनमें अभी मेरी तंजिला आप बता रही थी कि बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, कंप्यूटर जो है वो शायद कोई लेटेस्ट इंडक्शन है इन सारे सिस्टम में और आप लोग उसको अपग्रेड साथ साथ कर रहे हैं? एग्जैक्टली. इनिशियली हमारे ये जो मैनुअल टेस्ट थे, अभी जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की हमने बात की है और ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दीज टू टेस्ट आर प्रेजेंटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड वी आर ट्राइंग के मैक्सिमम टेस्ट जो है वो हम कंप्यूटर बेस्ड करने की कोशिश करेंगे टू मीट दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. और थोड़ा सा जो टाइम कंस्ट्रेंट है उसको भी जो है ना वो किसी हद तक थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ना वो हम कर सकते हैं. और दूसरा इस पे का एक बेनिफिट हमें ये भी है, थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्स की का जो भी है वो है अभी हम उसको मैनेज कर सकते हैं. तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज़्यादा ही कि एफिशिएंटली आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके वो दे देता है, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स का कम से कम इस्तेमाल है. सही. और मुझे ये भी लगा आपकी बात सुनकर कि इसके लिए जो है वो आपको खुद से तैयारी करनी है, प्री सेट माइंड के साथ नहीं आना. एग्जैक्टली. इसके लिए यहाँ पे मैं दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट टू टेल आवर लिसनर्स कि जो ज़्यादातर लोग एक माइंड सेट के साथ आते हैं कि दिस साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है पास करना, क्लियर करना, तो इस चीज़ को, इस मिथ को, इस मिसकंसेप्शन को अपने माइंड से वो लोग क्लियर कर कर आए.
any individual who has logical ideas, open-minded hai, apni frankly wo apne ideas ko produce kar raha hai, uska written expression acha hai aur wo bada focused hai, wo individual, us individual ke paas chances zyada hote hain to get recommended by the psychologist. Aur wo log, kuch log jo thodi si pehle se preparation karke aate hain, I would not encourage this trend, kyunki ye jo jo hum keh sakte hain ki jo preparation ke sath log aa rahe hote hain, wo unki personality ka ek false image जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं और बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनकी रियल सेल्फ को एक्सेस करना. तो उससे वो जो है ना काफ़ी हद तक उनकी जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको देखने में और एक्सेस करने में जो है ना मुश्किल आती है, जिससे उनकी रिकमेंडेशन के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. सो आई वुड एडवाइस दी लिसनर्स के जितना आप ओरिजिनल सेल्फ को रिवील करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कैंडिडेट्स के रिकमेंड होने के. तो फिर तैयारी कैसे की जाए बगैर बदर? मैं तो मुझे बिल्कुल ख्याल आया कि आपने कहा था कि ये आप बताएंगे कि तैयारी कैसे की जाए. बुशरा देखिए, ISSB पे जाने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है इनिशियल टेस्ट. उसको इतना कैंडिडेट्स जो हैं वो इतना लाइट ना लें, वो भी एक चैलेंजिंग टेस्ट है. तो ISSB के लिए ज़रूरी है कि जब आप अपना FSC का पार्ट वन एग्ज़ाम दे देते हैं या आपके पास FSC का रिजल्ट आ जाता है, अगर आपने फर्स्ट ईयर की हुई है तो आप होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने सेकेंड ईयर भी कर लिया है तो आप अपने आप को रजिस्टर करके जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में सबसे पहले जो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके दो पोर्शन होते हैं. एक पोर्शन को हम कहते हैं वर्बल और एक को कहते हैं नॉन वर्बल. वर्बल पोर्शन एंड नॉन वर्बल पोर्शन के अंदर अराउंड 60+ क्वेश्चंस आते हैं एंड अ कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देम इन अबाउट 20 मिनट्स ऑफ टाइम. तो उसके लिए जो जनरल नॉलेज है उसकी, जो बेसिकली उसका जो IQ है, जो उसकी रीडिंग हैबिट्स हैं, जो उसकी स्कूलिंग है, वो सारी उसको वहाँ पर काम आने वाली है. तो उसको ये चाहिए कि वो एक तो डेली अखबार पढ़े, मुताला करे, अपने पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बातचीत करे, TV देखे, सोशल मीडिया के ऊपर देखे. ही शुड रिमेन abreast what is happening in the country. ठीक है, फिर इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स है जिसमें उसको टेस्ट किया जाता है उसमें इंग्लिश है, जनरल मैथ्स है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और जनरल नॉलेज है. 50 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट हम देते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है और इसको वो लोग पास, ये जो है सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसको वो लोग पास कर सकते हैं जिन्होंने बुक रीडिंग को, रीडिंग हैबिट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है, और जो इंटरेक्शन करते हैं, जो आउट गोइंग पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, जो जाके नॉलेज को सीख करने की, गेन करने की कोशिश करते हैं, वो इसको पास आसानी से कर सकते हैं. इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है. लेकिन अगर ये समझा जाए कि ये बिल्कुल आसान है और रात को हम जाएंगे, सुबह जाके हम इसमें अपेयर हो जाएंगे और अगले दिन हम पास हो जाएंगे, वेल ऐसा नहीं होगा. इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आसान सवाल भी आते हैं एंड विद द टेस्ट डेवलप्स तो उसके अंदर जो है डिफ़िकल्टी लेवल उसका इंक्रीज़ भी होता जाता है. जब ये टेस्ट पास कर लेता है कैंडिडेट, ओनली देन ही कैन गो. अच्छा, इससे पहले के फिर अभी टाइम, क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा, हमारे जो लॉन्ग कोर्सेज और जो मेन कोर्सेज हैं उनकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें एक 17 से 22 साल तक लॉन्ग कोर्स में बच्चा आ सकता है. इसमें 3 मंथ्स अपर एंड लोअर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है. और जो टेक्निकल कैडेट कोर्स है उसमें 17 से 21 साल तक एक बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है. इसमें भी अपर एंड लोअर लिमिट है. जो हमारा सबसे जो डिमांड वाला कोर्स है वो है लेडी कैडेट कोर्स, जिसमें जो बच्चियाँ हमारी 16 ईयर्स की एजुकेशन कर लेती हैं उनके लिए हमारे पास 30+ डिसिप्लिनस हैं जिसमें वो अप्लाई कर सकती हैं. और लेडी कैडेट कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ्स है. इसकी फ्रिक्वेंसी 2x a year है. ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में चलता है और डायरेक्ट कैप्टन के रैंक में हम जो है आर्मी जो है बच्चों को कमीशन देती है. इसकी जो एज लिमिट है वो दैट इज़ अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो ये सवाल करती हैं कि लेडी कैडेट कोर्स की लिमिट क्या है. इट इज़ अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज एंड इन सम केसेस इट कैन बी इवन एक्सटेंडेबल. और लास्ट बात मेरी तरफ से ये है कि जो हाइट है, कैंडिडेट्स जो है वेवर मांगते हैं, एप्लीकेशन भिजवाते हैं कि मेरी हाइट तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम है तो मुझे वेवर दे दें. तो वेल लिसनर्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आर्मी में आने के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट है मेल के लिए. इफ़ यू आर 162.4 वी आर वेरी सॉरी, बट इफ़ यू आर 162.5 यू आर ऑलवेज वेलकम टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी. लाइकवाइज जो बच्चियों की स्ट्रीम है उसमें 152.4 सेंटीमीटर है, वो बच्चियाँ इसके अंदर आ सकती हैं. और जो इसका एजुकेशन क्राइटेरिया है दैट इज़ 55% फॉर PMA लॉन्ग कोर्स एंड 65% फॉर टेक्निकल कैडेट कोर्स. ये हमारी रेड लाइंस हैं, इसके ऊपर हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते. बहुत शुक्रिया. और जनाब, इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हमें इतना गुफ्तगू में मुख्तसर सा वक्फा लेना है, लेकिन प्रोग्राम जारी रहेगा और बहुत कुछ अभी हमने जानना है, क्योंकि अभी तो ISSB के गेट से हमें एंटर हुए हुए दूसरा दिन है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है कि वहाँ और क्या क्या कुछ होगा. तो मेरे साथ रहिएगा, मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ और आप सुन रहे हैं इस वक्त सुनो FM 89.4 और हम आपके लिए पेश कर रहे हैं प्रोग्राम ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज एन ऑफिसर.
सकते हैं। और अब तक जो हम डिस्कशन कर चुके हैं वो कुछ ऐसे है कि ISSB के में आप पहुंचेंगे कैसे, उससे पहले जो टेस्ट हैं उनके बारे में हमें ब्रीफ कर दिया गया, ISSB का पहला दिन, दूसरा दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके एनालिटिकल एसेज, इन सब पे बात हो चुकी है। लेकिन अब हम जरा फिज़िकल फिटनेस की तरफ जाएंगे और उसके लिए हम जाएंगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर मेजर वलीद जाहिद के पास। जी मेजर वलीद, ये आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवा के देखते हैं, कुछ डंड शंड निकलवा के देखते हैं? आई एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर हैविंग मी ऑन योर शो मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड राइट फ्रॉम द आउटसेट आई वुड लाइक टू टेल माई वैल्यूड लिसनर्स कि GTO टेस्ट्स के बारे में तो मैं उनको ज़रूर आगाही दूंगा, लेकिन GTO टेस्ट्स को बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए जो एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं, ख्वाह वो इंडोर टास्क हों या आउटडोर टास्क हों। अच्छा, इंडोर भी होते हैं? जी, मैं उनके बारे में भी आपको कंप्लीट आगाही दूंगा। मैं अपने लिसनर्स को एडवाइस करूंगा कि डिटर्मिनेशन दिखाइए, मोटिवेशन दिखाएं, एंड मोस्ट प्रोफाउंड क्वालिटी जो है विच इज़ रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ वैल्यूड लिसनर हु वुड कम एज अ कैंडिडेट इज टू बी हिमसेल्फ और herself, originality. Mm-hmm. This is very important and the most profound quality. Now, since time is of premium, therefore I would like to straight away dive into the walkthrough of the GTO tests. मैं ये बताता चलूँ कि जो GTO tests हैं ये basically दो domains पर मुश्तमिल हैं, जिसमें एक series of tasks के through candidate की intellectual attributes और जो physical attributes हैं उनको एक GTO assess करता है। अब इंटेलेक्चुअल जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर असेस्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, जिसकी फर्दर दो स्ट्रीम्स हैं, वन इज पब्लिक स्पीकिंग और दूसरी है नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिनके बारे में मैं आगे तफसील से बात करूंगा। जब हम दूसरी तरफ दूसरी डोमेन की बात करते हैं जो कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें चेक किए जाते हैं, वो बेसिकली आउटडोर टास्क पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, सब ग्रुप रेस टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क हैं। अब जैसे ही प्रैक्टिकली ISSB का तीसरा दिन शुरू होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो GTO के पास आ जाते हैं। अब GTO का जो पहला इवेंट होता है वो पब्लिक स्पीकिंग होता है, जैसे ही GTO अपने टास्क स्टार्ट कराता है। इसमें हर कैंडिडेट को दो टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसमें से उसके पास चॉइस होती है कि वो किसी एक को चूज़ कर ले। अब ये टॉपिक्स मोस्टली सोशल नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज़ या सिविक ऑब्लिगेशंस जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हैं उन पर बेस्ड होते हैं, और हर कैंडिडेट को 3 से 5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि वो अपने चोजन टॉपिक के ऊपर बात करे। जो उसको दो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से एक के ऊपर वो बात करे। बेसिकली जो इस टास्क में जो बेसिकली चेक किया जाता है वो उसके आर्टिकुलेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका समवॉट जनरल नॉलेज और हाउ ही आर्टिकुलेट्स और स्ट्रक्चर्स हिज टॉक ऑन द गिवन टॉपिक, ये चेक किया जाता है। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के बाद जो दूसरा और जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का आखिरी टास्क है वो है नैरेटिव बेस्ड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें कैंडिडेट्स को एक इंटरैक्टिव स्मार्ट स्क्रीन के ऊपर 3D मॉडल दिखाया जाता है, जिसमें उसको 7 सिचुएशंस दी जाती हैं एंड फॉलोड बाय अ प्रॉब्लम दैट ही और शी हैज़ टू सॉल्व एट दी एंड। बेसिकली जैसे ही उनको मॉडल डिस्क्रिप्शन GTO दे देता है, उसके बाद दे आर गिवन टाइम जिसमें वो म्यूचुअली डिस्कस करते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड टू रीच टू वन म्यूचुअली कंसेंटेड प्लान ऑन दी मॉडल, जिसके बाद GTO जो है वो किसी एक कैंडिडेट को बेसिंग ऑन देयर पार्टिसिपेशन विद इन द ग्रुप नॉमिनेट करता है, हु कम्स फॉरवर्ड ऑन द इंटरैक्टिव स्मार्ट स्क्रीन और वो अपने प्लान को बेसिकली मार्क करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप। इस बेसिकली जो पर्टिकुलर टास्क है इसमें जो GTO असेस कर रहा होता है वो उसकी प्लानिंग एबिलिटी एंड हाउ ही मेंटेन्स कंपोजर व्हेन ही हैज टू एक्सप्लेन समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब उसके अंदर आप पूरी डिटेलिंग उनकी देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, टीम को अपने साथ कैसे रखते हैं, फोकस कैसा है, टाइम मैनेजमेंट कैसी है, ओवरऑल सब चीज़ें असेस हो रही हैं। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। तो क्या एक एक उस पे एक कैंडिडेट के ऊपर आप कितना वक्त लगाते हैं? बेसिकली चूंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है और जब ग्रुप को मॉडल एक्सप्लेन करने के बाद जब उनको टाइम दिया जाता है फॉर देयर म्यूचुअल डिस्कशन, उसमें GTO असेस कर लेता है कौन सा कैंडिडेट की जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह है और वो कितना लॉजिकल है या नहीं है। फिर उन्हीं बेसिस के ऊपर ग्रुप से विद इन द ग्रुप वोटिंग करवाई जाती है कि किस कैंडिडेट को ग्रुप विल वोट टू कम एंड प्रेजेंट द प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप।
सो द ग्रुप कैरीज आउट वोटिंग, फिर एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है कि वो आके एक्सप्लेन करे अपना प्लान ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ग्रुप. और बेसिकली इसमें जो देखा जा रहा होता है द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स फॉर अ कॉमन गोल फॉर अ कॉमन फंक्शन. यहाँ पे इंडोर जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है वो ख़त्म हो जाता है. इसके बाद कैंडिडेट्स को कुछ वक्त दिया जाता है जिसमें वो जाते हैं अपने रूम्स में और फिजिकल ट्रेनिंग जो ड्रेस है उसमें चेंज करते हैं एंड दे आर टेकन फॉर दी आउटडोर टास्क. जैसे ही GTO आउटडोर टास्क में लेकर जाता है कैंडिडेट्स को, पहले एक जर्नलाइज्ड ब्रीफिंग दी जाती है अबाउट ऑल द टास्क दैट ही विल अंडरगो ड्यूरिंग द आउटडोर डिस्कोर्स. इसमें सबसे पहले जैसे ही आउटडोर में जाते हैं तो जो सबसे पहला टास्क है इट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क. द रीज़न फॉर कॉलिंग इट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इज बिकॉज इट हैज़ 3 stages. वंस अ कैंडिडेट कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेज ओनली देन ही इज अलाउड टू प्रोसीड टू द 3rd stage एंड देन टू द सेकेंड एंड देन टू द 3rd stage. टोटल टाइम इस टास्क को देने के लिए 40 मिनट्स है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो तमाम 3 stages मैंने अभी बताई हैं. इसका जो बेसिक पर्पस है जो इसमें असेस GTO कर रहा होता है वो उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन होती है विद इन द ग्रुप सेटिंग. इसके बाद सब ग्रुप रेस टास्क है जो कि इस एक ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें जो ग्रुप है वो 2 sub groups में स्प्लिट किया जाता है और एक सॉर्ट ऑफ रेस है जिसमें तमाम कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं. इसकी ज़रूरी चीज़ ये है कि इस रेस के दौरान दे आर गिवन अ सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स विच दे आर सपोज टू नेगोशिएट. तो जिसमें उनकी प्लानिंग एबिलिटी अंडर स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट विद इन द ग्रुप चेक की जाती है. सब ग्रुप रेस टास्क पूरा होने के बाद जो GTO का पहला दिन है इट कम्स टू एन एंड. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रैक्टिकली ये कैंडिडेट्स के ISSB का 3rd दिन होता है लेकिन GTO का पहला दिन होता है. अब जो GTO का 2nd day जो है ये इट स्टार्ट्स विद अ वीडियो ब्रीफिंग ऑन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल. अच्छा, अब पहला दिन जो है उसके बाद क्या वो इतना थक जाते हैं कि उनको नींद आ जाती है और उसके बाद अगले दिन के लिए वो प्रिपेयर्ड होते हैं? इट इज़ एग्जॉस्टिव, इसमें कोई शक नहीं है. बट यस, इन द इवनिंग मालूम होना चाहिए कि स्टेमिना आपका अच्छा होना चाहिए. जी एग्जैक्टली, वो मैं अभी बताऊँगा. जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया और मैं आखिर में भी अपनी बात ख़त्म करते हुए बताऊँगा कि फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस पे दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क अलॉट. उनको बहुत ज़रूरत है इस पर काम करने के लिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क. सो जो दूसरा दिन स्टार्ट होता है इट बिगिंस विद अ वीडियो ऑन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के उसने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कैसे करने हैं. मैं बताता चलूं, जैसे ही इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स स्टार्ट होते हैं इसका टोटल टाइम 2 मिनट होता है और इसमें 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनको एक कैंडिडेट ने नेगोशिएट करना होता है. यहाँ पर ज़रूरी है ये बताना कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं दे आर डिज़ाइंड कीपिंग इन व्यू दी एज फैक्टर एवरेज बिल्ट ऑफ अ कैंडिडेट एंड हिज फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस. जिसको हर तरह का बच्चा जो हर सोसाइटी के सेगमेंट से आता है कुछ मेहनत के साथ वो इसको नेगोशिएट कर सकता है. यहाँ बहुत ज़रूरी है ये बताना कि तमाम जो GTO टास्क हैं जिनका मैंने जिक्र किया है और जो भी मैं करूँगा आने वाले टास्क, इनमें वाहिद टास्क इज़ द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है फॉर द रिकमेंडेशन या फॉर द सिलेक्शन. बाकी किसी टास्क में कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें जो चीज़ें चेक हो रही होती हैं वो बिफोर कंप्लीशन भी जो GTO है वो असेस कर लेता है. लेकिन जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड इन ऑर्डर टू इंश्योर सिलेक्शन. ये वैल्यूड लिसनर्स जो हैं उनको आई थॉट के पता होना चाहिए. आखिरी जो टास्क है GTO का वो है कमांड टास्क. इसमें जो ग्रुप है उसमें हर बच्चे को कमांडर नॉमिनेट किया जाता है एंड ही स्टेप्स फॉरवर्ड एंड ही टेक्स ओवर द टास्क एज अ कमांडर. और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 8 मिनट दिए जाते हैं और जो बेसिक चीज़ असेस हो रही होती है इस टास्क के अंदर इट इज़ द एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स बेसिकली टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस फॉर द कॉमन गोल और कॉमन टास्क कि वो ग्रुप को लेके कैसे चलता है. यहाँ पर मैम जो GTO के टास्क हैं दे कम टू एन एंड बट यहाँ पे 2 दिन ग्रुप सेटिंग में गुजारने के बाद द कैंडिडेट्स आर वेल फेमिलियर विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर कैंडिडेट्स ऑफ द ग्रुप एज वेल. देयरफॉर बिफोर अ GTO बिड्स फेयरवेल टू देम
उनको भेजने से पहले एक आखिरी एक्टिविटी रह जाती है जो कि म्यूचुअल असेसमेंट कहलाई जाती है। चूंकि दो दिन गुजारने के बाद कैंडिडेट्स को एक दूसरे का काफ़ी पता चल चुका होता है, वो कैसा परफॉर्म किया है उन्होंने, कैसा बिहेव किया है विद इन द ग्रुप, तो GTO जो है वो उनसे म्यूचुअल असेसमेंट कराता है कि उनके नज़रिए में, उनके ख्याल में कौन सा कैंडिडेट किस पोजीशन पर आता है उस ग्रुप में। ये करवाने के बाद GTO के जो टास्क हैं दे कम टू एन एंड। सही, और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं हमारे कैंडिडेट्स दोबारा कर्नल फैसल के पास। जी बिल्कुल, हमारे पास जब आते हैं तो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू है जिसको उन्होंने टेक ऑन करना होता है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट इनफैक्ट हैंडल करता है इंटरव्यू को, और ये एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूइंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि कैंडिडेट को ज़्यादा बोलने की चांस दिया जाए और वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, और इस प्रोसेस के दौरान हम उसकी पर्सनैलिटी को डिस्कवर कर रहे होते हैं। अब देखते क्या हैं, हम क्या बातचीत करते हैं, वो है क्विकली हम उसकी एजुकेशनल प्रोफिशिएंसी देखते हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक देख रहे होते हैं। इसके अलावा ये है कि हम ये देखते हैं उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी बिलीव्स क्या हैं, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उसकी मोटिवेशन कैसी है, उसकी एडजस्टेबिलिटी कैसी है, एंड अबव ऑल उसका एक ओवरऑल कैरेक्टर कैसा बना हुआ है। इसमें यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक पर्सनैलिटी का मेकअप है जो उसने अपने चाइल्डहुड से ले कर जहाँ जहाँ वो रहा है, पेरेंट्स के साथ रहा है, नेबरहुड में रहा है, जिधर भी रहा है वो चलता आ रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसमें ग्रो करता जा रहा है। दूसरी साइड है उसकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक जो कि उसने डेवलप की है थ्रू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या वो लोगों के साथ जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है बातचीत करता है, या उसके अंदर रीडिंग की हैबिट है नहीं है वो उससे ले रहा होता है। तो ये दो स्ट्रीम्स हैं जिनको हम साइड बाई साइड रख के बातचीत कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पर ये मिथ भी क्लियर करना ज़रूरी है कि लेंथ ऑफ द इंटरव्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरव्यू वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के हाउ द कैंडिडेट इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, और ये तमाम की तमाम बातचीत इंग्लिश में हो रही होती है। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ एडवाइस टू द कैंडिडेट इज दैट ही शुड रिमेन ओरिजिनल, वो अपनी एबिलिटीज़ में फेथ रखे, क्योंकि एक इंडिविजुअल को अपने बारे में सबसे अच्छा पता है। अगर वो किसी से ब्रीफिंग लेके भी आ रहा होगा तो ही विल नॉट बी नोइंग के मेरी स्ट्रेंथ क्या है जो कि मुझे अगले को बताना चाहिए। तो इट इज़ हिज जॉब दैट ही हैज़ टू टेल द इंटरव्यूअर कि मैं ये हूँ और मेरे ऊपर ये इन्वेस्टमेंट हुई है और ये मेरे प्लसेज हैं और मैं इस तरह स्टैंड कर सकता हूँ। तो एक लीडर जो होता है, जो कि हम पोटेंशियली ढूंढ रहे हैं मिलिट्री के अंदर, ही मस्ट स्टैंड बाय हिज वर्ड्स, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, ही मस्ट बी एबल टू इंस्पायर अदर्स, वो बोल्ड हो, वो इनिशिएटिव ले सके, वो आगे लोगों को लीड कर चल सके। इससे पहले एक चीज़ और, ऑलरेडी एनालिटिकल एसे जो था वो हमारे पास इक्विप होता है एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट, वो उसका रिटन एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा हम उसको इंटरव्यू पे बुलाने से पहले उससे एक म्यूचुअल डिस्कशन भी करते हैं। वो म्यूचुअल डिस्कशन क्विकली ये है कि वहाँ पे पूरा ग्रुप इकट्ठा असेंबल होता है, वो बैठते हैं वहाँ पे, इनिशियली हम उनके साथ बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं, सो दैट वी कैन बी इन अ पोजीशन वेयर वी कैन एक्सप्रेस टू ईच अदर। उसके बाद वहाँ पे हम उन्हें दो टॉपिक्स देते हैं 15-20 मिनट्स के, वन इन इंग्लिश एंड वन इन उर्दू। वो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर वो बड़े केयरफुली हम डिज़ाइन करते हैं उनके ऊपर, ताकि कैंडिडेट अपनी एज ब्रैकेट के मुताबिक उसके ऊपर अपना एक्सप्रेस कर सके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बैकग्राउंड नॉलेज, वो कैसे कन्विंस कर सकता है अपने ग्रुप में बैठ के, ये तमाम चीज़ वहाँ पर बातचीत होती है। तो ओवरऑल मेरी डायमेंशन के अंदर मेरे पास एक कैंडिडेट को ओवरऑल जो है उसके इंटेलेक्चुअल मेकअप अलॉन्ग विद द पर्सनैलिटी विच ही हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसका कम्प्लीट एक मोज़ेक बन जाता है जो कि हम उसको असेस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और सब लोग सेलेक्ट नहीं होते। जो सेलेक्ट नहीं होते वो फिर आकर कुछ मिथ्स हैं, कुछ और बातें हैं जो कि वहाँ से निकलती हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो मिथ है वो ये है कि शायद सिफारिश हो रही होती है। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर के बाद मुझे नहीं लगता कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर कहाँ कौन सा बटन होता है सिफारिश वाला। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ISSB का जो एवेल्यूएशन मैकेनिज्म है ये 3-dimensional बेस्ड है। हर डायमेंशन जो है वो कंपार्टमेंटेड है। जब कैंडिडेट इनिशियली आता है ISSB के, उसके अंदर उसकी लिस्ट बन जाती है और ये इंतहाई सीक्रेट और प्रोफेशनली डील किया जाता है, और उनकी तमाम की तमाम लिस्ट जो हैं जिस ग्रुप को दी जाती हैं उसके पर्टिकुलर सिलेक्टर को इसके अलावा ये नहीं पता होता कि, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट मेरे पास आते हैं तो मुझे ये नहीं पता कि वो GTO के पास, किस GTO के पास हैं और किस साइकोलॉजिस्ट के पास हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट, वो इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कंपार्टमेंटेड सिस्टम।
और यहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि जब ये फोर्थ डे में हमारे पास हो जाता है तो फिफ्थ डे एक्सक्लूसिवली हमने बोर्ड कॉन्फ्रेंस कर रखा हुआ है। तो इस सिस्टम की स्ट्रेंथ ऐसी है कि सुबह 8 बजे जब हम अपनी बोर्ड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्ट 5 मिनट पहले पर्टिकुलरली दी GTO एंड दी साइकोलॉजिस्ट उनको पता चलता है कि हमने इस डिप्टी प्रेसिडेंट के साथ बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कॉन्फ्रेंस उनके साथ सेंट्रली बैठ के अपने केसेस को डिस्कस करना है। अब इन केसेस को जो डिस्कस करते हैं वहाँ पे, ये भी मैं क्विकली आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये भी एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। वही कैंडिडेट्स जो कि तीनों के पास डिफरेंट टाइम फ्रेम में वहाँ पे असेस होते रहे हैं, वहाँ पे हर कैंडिडेट को वेदर इज़ रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड, उसको उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को थ्रेड बेयर डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उसका डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे एक और सिस्टम की जो एडवांटेज हम कैंडिडेट को देना चाहते हैं वो ये है कि इन केस हमारे से डिसाइड नहीं हो पाता एंड वी फाइंड इट दैट इट हैज़ टू बी रेफर्ड, तो फिर हम अपने से सीनियर जो कमांडेंट होते हैं उनको वो केस रेफर कर देते हैं, जो कि फिर उसको इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वेदर दैट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू बी रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड। जी, और अब चलते हैं कॉल्स की तरफ और हमारी जो एक्सचेंज है ना वो कर रही है इस वक्त 051-111-1194 आपके सवाल बिल्कुल लेने के लिए है हम तैयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त कौन कहाँ से? मैं फहीम बात कर रहा हूँ खानवाल से। जी फहीम, क्या पूछेंगे हमारे पैनल से? मैं मुझे ना कुछ पूछना था टेस्ट के बारे में और मेडिकल के बारे में। जी जी प्लीज पूछिए। अच्छा सर, मैंने ना आरबीसी अप्लाई किया था लास्ट टाइम 150 में, तो मुझे जो है उन्होंने मेडिकल जो है वो टेम्पररी अनफिट किया था, वो ये पास ना क्या मसला था? जी जी फहीम, फर्स्ट टाइम मैंने जब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आपकी टेस्ट जो है कम था, फिर फर्दर सेकेंड टाइम जब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आप टेस्ट के जो है वो थोड़ा आपकी ना आवाज थोड़ी सी फहीम कट रही है। मुझे जो आपकी बात सुनकर समझ आया वो ये है कि आपने एक दफा अप्लाई किया था और उन्होंने आपको मेडिकल में कुछ चीजों के लिए दोबारा से कहा कि उनको आप रिविजिट कर लें। तो क्या मुझे अनफिट ना करें? बिल्कुल, आप सुनेंगे हमारे साथ ही रहिएगा और रेडियो पर सुनिए, ठीक है? हम जवाब आपका ले रहे हैं। जी मेडिकल फहीम खानेवाल से, फहीम आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। ये जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उनके लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है, यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और आपने अपील मेडिकल बोर्ड के लिए अप्लाई करना होगा। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। आप एक ईमेल भी नोट कर सकते हैं, medialiazon@gmail.com, इनका नंबर है 0515686143। आपने एप्लीकेशन लिखनी है विच शुड बी एड्रेस्ड टू PA3A, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि मैं इस वजह से मेडिकली अनफिट हो गया हूँ, प्लीज़ मेरा नाम अपील मेडिकल बोर्ड में इंक्लूड किया जाए। तो आपको जब अपील मेडिकल बोर्ड एज एंड व्हेन कन्वीन किया जाएगा, वहाँ पे बुला के आपकी जो अनफिटनेस है उसको रिव्यू किया जाएगा और अगर आप फिटनेस मेरिट करते हैं तो फिर आपको फिट कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं अपने सुनने वालों को ये भी बताऊँ कि चूँकि डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है और अब चूँकि आपकी कॉल्स हमने थोड़ा सा लेट शुरू की हैं तो 15 मिनट हम मज़ीद लेंगे, यानी 5:15 तक प्रोग्राम चलेगा, तो आप सुकून से कॉल कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैक्सिमम कॉल्स ले लूँ, 051-111-1194। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? हमाद बात कर रहे हैं। हमाद कहाँ से बात कर रहे हैं? जेलम से। जी हमाद, क्या पूछेंगे? सर मैम सॉरी, माय क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली फ्रॉम मेजर वलीद दैट स्पेशली इन command task and in military planning, what is the thing, particularly thing that impresses the GTO? So this question is from Major Waleed. भाई मेजर वरीद को क्या चीज़ इम्प्रेस करती है? थैंक यू वेरी मच अमाद फॉर कॉलिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन दी शो। देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अ GTO और एनी GTO, इट इज़ ऑल अबाउट दी प्लानिंग एबिलिटी इन दी कमांड टास्क ड्यूरिंग विच यू नीड टू एग्जिबिट दी एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स टू फॉलो।
this is also pertains to what we see as a leadership trait as well. Because you see, जो leadership trait है, ये एक isolated quality नहीं है, जो कि एक GTO अपने tasks में assess करता है during the command tasks और any other outdoor activity related to the group. देखिए, जो leadership है या जो ability to lead from the front or to command है to a group of particular people, it is quickly demonstrable when the activities of a group of individuals is directed towards a common goal. So therefore, मैं ये आपको clear करना चाहूँगा कि it is not about impressing any group testing officer. It is all about exhibiting the ability to lead and to influence others. जबरदस्त जनाब, और अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मेरा पैनल से एक क्वेश्चन है. पहले अपना नाम बता दीजिए. काशिफ रजा बात कर रहा हूँ. मैंने अपने भतीजे के लिए पूछना है जी कि उसने ISSB के लिए इनिशियल दिया था लास्ट समर में शायद, लेकिन अभी उसे 4 महीने 5 महीने हो गए, ISSB कॉल नहीं आई. तो ये नॉर्मल होता है या वो कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया है या पूछ लेते हैं जरा. आप रेडियो पे सुनिए हमें और अभी इसका जवाब जो है ना वो ब्रिगेडियर बदर देंगे. जी जी काशिफ रजा, आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें देर इज़ नथिंग टू वरी, ये बिल्कुल नॉर्मल है. एक्चुअली जब बहुत से बच्चे इनिशियल टेस्ट को पास कर लेते हैं तो फिर उनमें भी एक मेरिट बनता है कि उन्होंने इनिशियल टेस्ट में कितने नंबर लिए हैं, कैसी परफॉर्मेंस दी है, और उसमें से जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो मेरिट के ऊपर हाई होते हैं वो सिर्फ ISSB पे जाते हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 151 लॉन्ग कोर्स में आपको बगैर इनिशियल टेस्ट के ISSB भेजा जाएगा. और अगर नहीं भेजा जाता तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर कॉल करके इसको क्लेम कर सकते हैं 0515686143 medialiaison@gmail.com. इस पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह काशिफ रजा आपके भतीजे को हम 151 लॉन्ग कोर्स में बगैर इनिशियल टेस्ट के देंगे. और बाकी जो भी लिसनर सुन रहे हैं उनके लिए भी ये है कि जब एक दफ़ा इनिशियल टेस्ट पास हो गया है तो नेक्स्ट टाइम फिर अगर आप लो मेरिट हैं तो आपको बगैर इनिशियल टेस्ट के अगले कोर्स के लिए ISSB की कॉल दी जाएगी. अच्छा, उस पर ये भी याद दिलाती चलूँ कि 151 लॉन्ग कोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन 19th of November तक जारी है. ये भी लिसनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. इनिशियली वो रजिस्ट्रेशन 6-7 November को क्लोज हो रही थी, बट हैविंग सीन द इंटरेस्ट शोन बाय द यंग जनरेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन है इट विल बी अगेन ओपन. आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा ऑन 11 November और इंशाल्लाह 19 November तक ये लिंक जो है अवेलेबल रहेगा. और मेरा ख्याल है आज के प्रोग्राम के बाद आपके बहुत सारे और भी जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगली कॉल की तरफ चलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरे साथ कौन, कहाँ से? मैं लाहौर से अम्मा बात कर रही हूँ. अम्मा कहाँ से बात करेंगे? लाहौर से. लाहौर से जी अम्मा, क्या पूछेंगे? मेरे दो क्वेश्चन हैं. एक ये कि TTC जो कोर्स है वो लेडीज के लिए अवेलेबल है, और सेकंड ये कि अगर बच्चियों का मैट्रिक या प्री मेडिकल में नाम ना आए तो आर्मी में उनके लिए फिर किस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, पूछ लेते हैं, रेडियो पे सुनिए. आमना, आप लाहौर से कॉल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. जो लेडी कैडेट कोर्स है ये बेसिकली उन बच्चियों के लिए है जिन्होंने 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, जिन्होंने BS 4 इयर्स या BE 4 इयर्स की डिग्री कर ली है, और जो हमारे 30+ डिफाइंड डिसिप्लिन हैं एज एंड वैन जब हम उनको एडवर्टाइज करते हैं, अगर आप वो उसमें आपके पास डिग्री है तो यू आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई. अगर एक ऐसी बच्ची जो मैट्रिक में प्री मेडिकल में नहीं जा सकी, जिसने प्री मेडिकल पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया, तो उनके लिए बच्चों की हमारे पास स्ट्रीम है जिसको हम बोलते हैं आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज. ऐसी बच्चियां जिन्होंने मैट्रिक किया है बायोलॉजी के साथ और उनका आगे FSC में या कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा, तो वो FSC करने के बाद, जो जिन्होंने प्री मेडिकल में FSC कर लिया, FSC करने के बाद वो हमारी AFNS स्ट्रीम में अप्लाई कर सकती हैं. सही, एक और कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर छोटा सा वक्फा लेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरे साथ कौन, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरी रेडियो की आवाज़ कम करेंगी तो मुझे आपकी और आपको मेरी आवाज़ बेहतर आएगी. जी जी, मैं हिरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से. जी हिरा, मैं काइंडली पूछना चाहती हूँ, सर वलीद से सवाल करना चाहती हूँ. जी सर वलीद बहुत डिमांड में है. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम हिरा. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑब्स्टेकल्स पूरे कंप्लीट करना कितने इम्पोर्टेंट है, या थोड़ा सा फीमेल्स को एज अ फीमेल अलाउंस दिया जाता है कि अगर वो किसी भी वजह से पूरे नहीं कर पाती हैं तो. अच्छा, ये वाला सवाल वैसे बनता है हिरात है. एंड सेकेंडली सर, सर मेरा बेटा है
वो बहुत इंस्पायर्ड होता है आर्मी ऑफिसर से, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज जी, प्लीज। के सवाल का जवाब हम मरीज साहब से लेते हैं। जो ISSB के टेस्ट के दौरान में होने वाले डिफरेंट डेज के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट आपके जिस जहाँ से आपको असेस किया जाता है उसको वन बाय वन हमने डिफरेंट डेज को डिस्कस किया है और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। वक्फे पर जाने से पहले हिरा ने कॉल किया था और उन्होंने पूछा ये था कि ये बताइए कि क्या लड़कियां जो हैं उनको थोड़ा सा कुछ उनको आसानी दी जा सकती है, कोई लिवरेज मिल जाती है जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं क्या उनको भी कंप्लीट करना लाजिम होते हैं? जी हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। हियर आई वुड लाइक टू टेल कि जो लेडीज़ हैं, जो खवातीन हैं, उनको बिल्कुल अलाउंस दिया इस तरह से जाता है, कीपिंग इन व्यू देयर फिजिकल स्टेमिना एंड देयर कंडीशन। जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए एक फीमेल कैंडिडेट आती है तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनमें कुछ वेरिएशंस लाई जाती हैं इन ऑर्डर टू इनेबल दोज वैल्यूड लेडीज टू अंडरगो दोज ऑब्स्टिकल्स कन्वीनियंटली। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट वगैरह रिड्यूस कर दी जाती है और कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो विच लेडीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू नेगोशिएट। सो ये अलाउंस उनको ज़रूर दिया जाता है सो दैट दे आर एबल टू एक्चुअली वर्क हैंड्स एंड ग्लव्स एंड दे कम एट पार विद द मैन। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कॉल्स तो ले रही हूँ लेकिन चूंकि फेसबुक पर भी एक सवाल है और वो मेजर तंजीला आपसे पूछा है शेनी नासिर ने, एज अ साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, चूंकि मैं चश्मा नहीं पहना हुआ है मैं माजर चाहती हूँ, अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट क्योंकि आर्मी में ऑलरेडी आई एम ऑल्सो बींग साइकोलॉजिस्ट और एज साइकाइट्रिस्ट भी लेडीज़ जो है हमारी अभी आर्मी मेडिकल कोर में जो सर्व कर रही हैं वो आर्मी में आने के बाद भी स्पेशलाइजेशन कर सकती हैं एंड डायरेक्टली भी एज साइकाइट्रिस्ट भी वो लोग इंडक्ट हो रहे हैं, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास हैं। सही। और एक और सवाल है और वो ये है कि कहाँ से हम ये सब कुछ सीख सकते हैं, फ्रॉम वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट इट, इफ़ यू हैव एनी यूट्यूब वीडियोज़ और एनी लिंक और एनी बुक, और कहाँ से सीख सकते हैं? सीखने के लिए यह है कि अब बड़ी एलेबरेट ISSB की वेबसाइट बनी हुई है, उसके अंदर तमाम चीज़ों के बारे में कैंडिडेट्स को आगाही दी जाती है। अगर सिर्फ उसको फॉलो किया जाए तो उसके अंदर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी में आ जाती हैं और हर चीज़ की अनफोल्डिंग उन्होंने क्लियरली दी हुई है यहाँ पे। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पेड ट्रेनिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स करके आते हैं, आपने देखा होगा ये सिर्फ और सिर्फ इट मोस्ट ऑफ़ द टाइम गोज़ इन देयर डिसएडवांटेज, वो टाइम का ज़्याय ही है। वाई? क्योंकि हमने पैनल ने पहले भी ये बात कही है कि वन शुड हैव फेथ इन हिज एबिलिटीज़। आपकी फेथ होगी अपनी एबिलिटीज़ में, आप अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, आप सबसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर समझते हैं। तो जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं तो आप उसी चीज़ को जब यहाँ आके डिस्प्ले करेंगे, आपके अंदर वो फेथ एंड एबिलिटी होगी तो फिर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, आप आगे ऐसे होंगे कि आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनैलिटी की, जो शायद किसी वजह से मास्क हो रही थी और जिसकी वजह से आप कॉन्शियस हो रहे थे, वो उस चीज़ को आप जो है ना वो ख़त्म कर देंगे और आप ओपनली आके यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एंड यू विल गेट द एडवांटेज ऑफ दैट। दैट इज़ वेरी क्लियर। और ये तमाम कैंडिडेट्स को ज़रूर पता होना चाहिए कि ISSB में आके इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द एडवांटेज ऑफ बींग रिकमेंडेड एंड टू बिकम अ फ्यूचर लीडर ऑफ इन पाकिस्तान आर्मी, Please have faith in your abilities. Forget about these things. जो भी बात चाहिए। एक बात और भी मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, वो ये है कि सुनी सुनाई पे मत जाइए। बहुत सारे लोग जो ISSB करते हैं नहीं उसको क्वालिफाई कर सकते, वो जाकर फिर बाहर आपको मिसगाइड भी करेंगे, वो नहीं भी आपको सही बातें बता रहे होते हैं। जैसे एक मिथ जो बहुत मैं सुनती हूँ, कैप्टन किरण मैं आपकी तरफ आऊँगी, कॉल्स का सिलसिला भी दोबारा शुरू करूँगी, लेकिन वो एक सवाल चूँकि निकल आया, अक्सर ऐसा होता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो एक दफ़ा हो चुके होते हैं लेकिन कुछ लोगों को दोबारा रीप्रॉविंग के लिए बुलाया जाता है, तो उसके बारे में कहा जाता है जी वो तो ऐसा था, वो स्पेशल थे, उन्होंने उनको अलग बुला लिया, तो क्या वाकई ऐसा होता है? डेफिनेटली इट्स अ मिथ, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेलेक्टर के पास जब आपका डोजियर पहुंच गया है जिसमें आपने अपनी पर्सनालिटी टेस्ट सारे कर लिए, कंप्लीट कर लिए, एंड द सेलेक्टर इज़ नाउ असेसिंग वट एवर द कॉन्टेंट यू हैव प्रोड्यूस्ड, तो उसमें इफ़ देर इज़ एनी एम्बिगुइटी या कोई वर्ड वाई एंड हाउ है जो कि सेलेक्टर को आपके टेस्ट देख के आपके कॉन्टेंट से क्लियर नहीं हो रहा, तो
to clarify those ambiguities, the selector will call a certain candidate jiski requirement hai ki usse specific cheez ko clear kiya jaye. So the interview or the probing is need based ke kis cheez ko clear karna cha rahe hain selector. So it's not like ke har candidate se kuch certain cheeze clear karni hai. There are certain aspects, kuch uske personality related ho sakte hain, uske social dealings ke hawale se ho sakte hain, uske emotional pattern ke hawale se ho sakte hain, jo ki ek selector ko clarify karne ke liye kuch sawal poochne hain candidate se, kyunki uska jawab candidate hi clearly de sakta hai. So this is why ke need based interview abhi hota hai candidate ka, ki jahan pe clarity requirement hoti hai sirf usi candidate ko bulaya jata hai interview ke liye. Aur Bushra, main aapki ijazat se sirf ek cheez add karna chahunga, jo listeners hame sun rahe hain, khas kar jo parents hain jo chahte hain ki unke bache Pakistan army mein aaye, उनके लिए ये मैसेज है मेरा कि जो गुड पेरेंटिंग है वो सारी उम्र काम आती है. अपने बच्चे को अर्ली एज में अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं, उसको हलाल हराम की तमीज़ सिखाएं, उसको उसकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएं, उसको ये बताएं कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है. ये जो गुड पेरेंटिंग है ये उसके साथ रहेगी और ISSB में सिलेक्शन में बहुत कलीदी किरदार अदा करेगी. मतलब अच्छे मैनर्स, उठना बैठना कैसा है, लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, आपने बिल्कुल ऐसा ही है. कॉल्स की तरफ दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि इस वक्त मेरे साथ कॉल पर कौन मौजूद है. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं रीजा शर्फ बात कर रही हूँ. जी अब थोड़ा सा ऊंचा बोलिए. मैम मैं रीजा शर्फ बात कर रही हूँ लाहौर से. जी अलीजे. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सम गर्ल्स आर वेरी पैशनेट और वो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहती हैं. अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका फुलफिल नहीं होता आफ्टर एसएससी, दे विल गो फॉर ग्रेजुएशन. लेकिन ग्रेजुएशन के बाद इतनी फील्ड या इतनी ब्रांचेज नहीं होती जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देखते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकती हैं? पूछ लेते हैं जनाब बगेरी ब्रदर से कि क्या चांसेस रह जाते हैं उन बच्चियों के लिए कि जो पहली दफ़ा में नहीं सेलेक्ट हो सकती हैं क्राइटेरिया, जो पहले नहीं मीट कर रहे तो दोबारा कैसे मीट करेंगे? देखिए अलीज़ा, ये जो आपका क्वेश्चन है, जो हमारी लेडी कैडेट कोर्स की स्ट्रीम है ये साल में दो दफ़ा चलती है, इसकी जो मेन प्रीरिक्विजिट्स हैं वो है 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन. अनलेस यू हैव अटेंड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. जब आपने 16 साल की एजुकेशन कर लिया है, मतलब BS 4 ईयर्स वगैरह कर लिया है और उस रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में किया है, तो देन यू हैव टू चांसेस टू अपियर इन ISSB. पहली दफ़ा अगर आप ISSB में नॉट रिकमेंड हो जाती हैं तो फिर आप 120 डेज के गैप के बाद ISSB में दोबारा से जाके अगले कोर्स में अप्लाई करके उसका इनिशियल टेस्ट आपको दोबारा से देना पड़ेगा. वो देने के बाद आप अपना सेकंड चांस भी अवेल कर सकते हैं. सो ये रीज़न है. और इसमें एज लिमिट भी चूँकि 28 ईयर्स है और एक्सटेंडेबल है, तो इसमें इनफ अपॉर्चुनिटी इज़ देयर फॉर दोज गर्ल्स हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी. दे कैन गिव इट अ ट्राई ट्वाइस इन वन ईयर. सही जनाब. और एक लास्ट कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैम आदम खान बोल रहा हूँ मुल्तान से. जी आदम खान पूछिए. आई हैव टू आस्क, आई विल बी रिपीटेड कैंडिडेट दिस टाइम. तो मैंने पूछा था कि चूंकि ISSB में रिपीटर्स का जो है वो ग्रुप एक लहजा होता है, तो क्या उनको जज करने का पैरामीटर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है या उसके क्या है, ये बता दीजिएगा. थैंक यू. जी मेरे ख्याल कर्नल फैसल इसको. थैंक यू आदिल, आपने ये क्वेश्चन पूछा. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप फर्स्ट टाइम अपीयर हों या सेकंड टाइम एज ए रिपीटर अपीयर हों, ISSB इज़ द सेम. ISSB इसने अपना पैटर्न सेम रखा हुआ है. ये आप हैं जो आपको सेकंड चांस मिल रहा है जिसके अंदर आप आके ISSB में अपीयर होते हैं और आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके अंदर क्या वो लिमिटेशंस थी जिसकी बेस पे आप प्रॉबेबली ISSB के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. लेकिन एज़ फार एज़ ISSB इज़ कंसर्न, वो अपने आप को उन्हीं टेस्ट और उन्हीं के अंदर रहते हुए आपको असेस करते हैं और उसी से आपको गेज करते हैं और उसमें कोई ऐसी चीज़ सेपरेट नहीं है जो कि आपको बताई जा सकती हो. फेसबुक पर हमसे हलीमा पूछ रही हैं कि कैन द कैंडिडेट विद फ्लैट फीट अप्लाई फॉर आर्मी? जी हलीमा, इसका जवाब यह है कि जो फ्लैट फीट है वो बेसिकली मेडिकली अनफिट होता है. तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आप अपील मेडिकल बोर्ड में अप्लाई करें, वहाँ से इस एस्पेक्ट को डिटेल से देखा जाएगा. और मैं बुशरा एक बात और भी ऐड करना चाहूँगा आखिर में, जब ये ISSB ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद इन जो भी ISSB से रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट GHQ में आएगी और वहाँ पे कैंडिडेट्स को एक डिटेल मेडिकल से गुजरना पड़ेगा. उसमें एक चीज़ हमने अभी इंट्रोड्यूस की है और वो है ड्रग टेस्ट. तो जो हमारी यंग जनरेशन जो सुन रही है, प्लीज़ बी अवेयर,
ड्रग टेस्ट लिया जाता है और जो भी कैंडिडेट उसमें पॉजिटिव आते हैं दे आर पुट फॉर परमानेंट लाइफ टाइम बैन टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी. सो प्लीज रिमेन अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स जिसके अंदर खाने की भी चीज़ें हैं और मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा सकता. जब डिटेल मेडिकल में आप फिट हो जाएंगे फिर आप जो लोग फाइनल लिस्ट में आएंगे उनका एक मेरिट बनेगा और जितनी भी सीट्स हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की उनके हिसाब से उन कैंडिडेट्स को कॉल लेटर इशू किया जाएगा जो उस मेरिट में आएंगे. तो ये ड्रग टेस्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिकल के अंदर अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो यू हैव अ चांस, यू कैन राइट एंड रिक्वेस्ट फॉर अपील मेडिकल बोर्ड. और अगर एक दफ़ा अपील मेडिकल बोर्ड किसी कैंडिडेट को अनफिट कर देगा सो देन दैट मीन्स दैट ही और शी कैन नॉट ज्वाइन एनी services, not for that matter army, navy and air force in future. तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी विच आई थॉट बहुत ही महदूद. और मैं वन लाइनर चाहूँगी कि मेरे चारों ऑफिसर्स जो हैं जो यूनिफॉर्म में हैं इस वक्त उनसे पूछो एक एक टिप तो बता ही देना मेरे सुनने वालों को, ये हमें एक फेवर दे दें आप. जी तो हम शुरू करते हैं मेजर वलीद से. मेरी तरफ से एडवाइज़ होगी यंग जनरेशन को कि जब भी वो ISSB के लिए आते हैं तो दे आर एडवाइज टू बी देमसेल्व्स. Originality is something that is very much pronounced and required. जी वेरी इम्पोर्टेंट सिंस फ्यूचर लीडर बनना है बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क आपने लेने हैं इन फ्यूचर. उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को ग्रूम करें, पढ़ें, शौक पैदा करें, डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करके उनको पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करें और इंशाल्लाह आप यकीनन होंगे, लाजमी होंगे. जी कैप्टन किरण. राइट, सो माई एडवाइस इज़ जैसे कहा जाता है हेल्दी माइंड इज़ इन हेल्दी बॉडी. सो जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं इसी तरह आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें. इंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ को बल्कि मेंटल हेल्थ को भी. रीड गुड बुक्स, इंगेज इन गुड एक्टिविटीज़, मेक गुड फ्रेंड्स, हैव अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ एंड डेफिनेटली वो फिर प्रोजेक्ट होगी थ्रू योर बिहेवियर्स एंड थ्रू योर रिएक्शंस जो आप देते to different environmental situations. Ji Major Tanzila. Ji, I would like to suggest that if there is a will, there is a way. To agar aap mein shauk hai kisi cheez ko achieve karne ka और आप किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए जो आर्मी ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ करेक्टर बिल्डिंग और पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि वी वांट ग्रूम्ड ऑफिसर्स जो कि हमारे फ्यूचर लीडर्स बनेंगे. सो आई वुड से सही. और बगैर बदल आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा बुशरा के लव योर कंट्री, लव योर आर्मी, डू योर बेस्ट, बिलीव इन द सिस्टम एंड लीव रेस्ट टू अल्लाह ऑलमाइटी. बहुत शुक्रिया. ज़बरदस्त पैनल ने जनाब हमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी और अगर मैं उसका इहाता करूं तो वो मैं ये कहूंगी कि आपके पास 3 E हैं, उन पर गौर व फिक्र कीजिए. एजुकेट योरसेल्फ, सबसे पहले अपनी तालीम जो है ना उसको अच्छे तरीके से ध्यान देकर हासिल करें. और तालीम जो है वो सिर्फ स्कूल कॉलेज की तालीम नहीं होती, अखलाकियात की तालीम भी होती है. मॉरल्स भी आपके अच्छे होने चाहिए, जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, आपकी कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप सभी से सीखते हैं. दूसरा ई जो है वो एथिक्स का है. आपके हर चीज़ में जैसे हलाल और हराम का जिक्र किया था ब्रिगेडियर बदर ने, तो मेरा ख्याल है यही वो एक आपका पैमाना है जिस पर सब चीज़ें तोली जाएंगी. तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान करें. और तीसरी जो अहम बात मैंने सीखी आज के प्रोग्राम में वो ये है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे अंग्रेज़ी के अखबारात नॉवेल्स पढ़िए और उसमें गुफ्तगू कीजिए. क्योंकि देखिए कुछ लोग देखने से सीख लेते हैं, कुछ लोग लिखा हुआ कुछ पढ़ के सीख सकते हैं, कुछ सुन के कुछ सीख लेते हैं, लेकिन सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वो काम करके देखिए. तो आप बोलिए इंग्लिश और उसके अंदर लिखिए.